देश के सभी मुसलमान इकट्ठे हो जाए और एक जंगली रास्ते पर के कुत्ते पर यह आरोप लगाए कि ये कुत्ता हिंदुओं का मसीहा है, हिंदुओं का जो कत्ले आम हुआ था उसका बदला लेने के लिए इस कुत्ते ने हजारों मुस्लिमों का कत्ले आम किया हुआ है, ये कुत्ता हैवान है, ये कुत्ता शैतान है, ये कुत्ता मौत का सौदागर है, देश के सभी मुसलमान इकट्ठे हो जाए और ये बार बार कहने लगे, तो एक बात मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि अगले इलेक्शन में भारी बहुमत के साथ एक कुत्ता इस भारत देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। दोस्तों, ये तो मोदी है, ही इज नॉट एन अपॉइंटेड पर्सन लाइक मनमोहन सिंह, ये कोई काम पर लगाया हुआ मनमोहन सिंह जैसा कोई नौकर नहीं है, इसका हर पल अपनी जिम्मेदारी पूरे करने के लिए, ये हर सांस ले रहा है तो अपनी जिम्मेदारी पूरे करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए ले रहा है, ये अपने इसके दिमाग में अगले 10 साल तक की इस देश क्या क्या करना है, इसकी पूरी हर सेकंड की अगले 10 साल की पूरी फिल्म इसके दिमाग में रेडी है। अपने दुश्मनों द्वारा दी गई गालियां, फेंके गए पत्थरों को ये क्रिकेट की बॉल की तरह पकड़ना जानता है, अपने समर्थकों द्वारा, अपने अनुयायियों द्वारा, अपने सपोर्टर द्वारा फेंके गए फूलों से भी ज्यादा जो इंसान अपने विरोधी लोगों से, अपने आलोचकों से, अपने दुश्मनों द्वारा फेंके गए पत्थरों को जो इंसान बाखूबी पूरी कंट्रोल के साथ जो पकड़ना जानता है, जिनको इसका इस्तेमाल करना जानता है, उसके ऊपर पत्थर फेंकना क्या गुनाह नहीं है? अपने दुश्मनों द्वारा फेंके गए पत्थरों को पकड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोड बनाने का काम जो इंसान करता हो, उन पत्थरों का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोड बनाने का, हाईवे बनाने का काम जो इंसान परफेक्टली कर सकता हो, क्या उसके ऊपर पत्थर फेंकना बेखूबी वाला काम नहीं है? दोस्तों, नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बनाया गया, ये काम भाजपा ने किया, ये काम लालकृष्ण आडवाणी ने किया, ये मानता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी को इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कोई भी भाजपा का, बीजेपी का लीडर या लालकृष्ण आडवाणी जिम्मेदार नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के बहुत सारे लीडर इस कोशिश में, इस साजिश में लगे हुए थे कैसे नरेंद्र मोदी को रोका जाए, लेकिन वो रोक नहीं पाए। नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सबसे ज्यादा पूरी तरह से जिम्मेदार कौन है? तो कांग्रेस है, कांग्रेस के सभी लीडर है, जो खुद को सेक्युलर लीडर कहते हैं वो सभी सेक्युलर लीडर है, सभी जो पत्रकार है, जर्नलिस्ट वो है, जो खुद को मुस्लिमों को मसीहा कहते हैं वो लीडर जिम्मेदार है। वो कैसे जिम्मेदार है? मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सभी लोग कैसे जिम्मेदार है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।